अगर मैं आपकी जिंदगी में रहूंगी तो नूरुलहैन कहीं नहीं होगी, ना ही ऑफिस में, ना ही रास्तों में, ना ही फोन कॉल्स पर। वाह, दोस्ती का खुमार बड़ी जल्दी उतर गया तुम्हारे सर से। क्या जरूरत थी सबको इन्वॉल्व करने की, सवाए इसके कि मेरे और तुम्हारे ताल्लुक का तमाशा बने। तमाशा मेरे और आपके ताल्लुक का नहीं, आपके और नूरुलहैन के ताल्लुक का लगा है। तहनियत, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो आप इस सिक्के को बार बार उछाल रहे हैं मुर्तजा, मैं नहीं। तुम चाहती क्या हो, बहस करना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन यहां पर नहीं, अपने घर चल के अपने कमरे में हर मुद्दे हर मामले पर बहस करते हैं। मैं बहस नहीं करना चाहती, बल्कि दो टोक फैसला चाहती। अगर मैं आपकी जिंदगी में रहूंगी तो नूरुलहैन कहीं नहीं होगी, ना ही ऑफिस में, ना ही रास्तों में, ना ही फोन कॉल्स पर। वाह, दोस्ती का खुमार बड़ी जल्दी उतर गया तुम्हारे सर से। जब तक मैं तुम्हें कहता रहा कि नूरुलहैन से दोस्ती छोड़ दो, तब तक तुम नहीं मानी। अब मान गयो ना, तो बताएं आपका क्या फैसला है। तेनियत, अगर मेरी नूरुलहैन के साथ कहीं मुलाकात हो भी जाती है तो तुम्हें इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है यार, मुझ पे भरोसा होना चाहिए ना। क्यों नहीं, अगर मेरी भी इसी तरह किसी से मंगनी हुई होती और मैं भी उससे कभी पार्क्स में, कभी रेस्टोरेंट्स में मिल रही होती, तभी आपका यही नजरिया होता। प्लीज मुर्तजा, साफ साफ कहें कि आप सिर्फ मेरे हैं। मैं तुमसे कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहता जो आगे जाके निभाना पाऊं, लेकिन तैनियत होगा वैसी जैसे तुम चाहती हो। हर रास्ता कदम ब कदम तय होता है ना, मेरा हाथ थाम कर चलो तो सही। नहीं मुर्तजा, एक कदम और नहीं। नूरुलहैन से कतई ताल्लुक का ऐलान करना होगा या फिर या फिर मुझसे। ये आखिरी फैसला है तुम्हारा।